हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। गाइस, मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो गेम लवर्स चैनल। तो यार, कैसे हो आप सब? दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक स्टोरी। हाँ दोस्तों, ये थोड़ा मैंने नया चीज़ अपने चैनल में किया है, सोचा कि चलो यार मैं आप लोगों को क्लैश ऑफ क्लैंस के ट्रुप्स वगैरह के बारे में स्टोरी दूँ। तो दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टोरी ऑफ पिक्का। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पिक्का आखिर पिक्का बना तो कैसे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, तभी आपको मज़ा आएगा और ये समझ आएगा कि यार पिक्का आखिर पिक्का बना तो बना कैसे। तो दोस्तों, जो भी इस चैनल पे नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दो, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। सो गाइज, लेट्स गो। तो यार, एक समय की बात है, क्लैश ऑफ क्लैंस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। यानी कि जब जब चीफ अपने ट्रुप्स के साथ अटैक के लिए जाता था, उनके ट्रुप्स बहुत जल्दी मर जाते थे और ज़्यादा डैमेज भी नहीं कर पाते थे। चीफ बहुत परेशान था, चीफ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या और हम कैसे जीते। तो उसने मास्टर बिल्डर को बुलाया और मास्टर बिल्डर भी सोचा कि हाँ यार, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मास्टर बिल्डर ने बोला कि चीफ, आप कोई टेंशन नहीं लो, ये सारी प्रॉब्लम अब मेरी प्रॉब्लम है। मास्टर बिल्डर ने बोला कि मैं एक ऐसा ट्रूप्स तैयार करूंगा जिसके हीट पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हो और डैमेज पर सेकंड भी बहुत ज़्यादा हो। तो चीफ खुश हो गया, चीफ बोला कि चलो बढ़िया। तो चीफ ने उन्हें एक हफ्ते का समय दिया कि एक हफ्ते के अंदर मुझे एक ऐसा ट्रूप बना के दो जो जल्दी मरे नहीं और जो ज़्यादा डैमेज करे। तो मास्टर बिल्डर ने बोला कि ठीक है चीफ, मैं आपका ये काम करूँगा। तो मास्टर बिल्डर रात दिन लगा रहा कि यार क्या करना है, क्या बनाना है। वो बहुत सारे प्लानिंग्स किया, बहुत सारे जगह गया, बहुत सारे चीज़ों से वो क्या बनाना चाहिए जिसका हीट पॉइंट भी ज़्यादा हो और डैमेज पर सेकेंड भी। तो फिर चीफ ने सोचा कि यार हमारे गेम में तो ऐसे दो ट्रूप है जिनके हीट पॉइंट और डैमेज पर सेकेंड भी ज़्यादा है। पहला ट्रूप जाइंट, जिसका हीट पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और विजार्ड, जिसका डैमेज पर सेकेंड बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि इन दोनों के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं, शायद कोई अच्छा ट्रूप तैयार हो जाए। तो उन दोनों को मास्टर बिल्डर ने लैब में बुलाया, वो दोनों लैब गए और उन दोनों को थोड़ा थोड़ा डार्क एलिक्सर और एलिक्सर उनको पिलाया, और उसके बाद उन दोनों को शॉक वेव दिया गया। शॉक वेव देने के बाद उनके साथ कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा डार्क एलिक्सर और एलिक्सर उनको पिलाया और फिर उनको शॉक वेव देने लगे, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा, मास्टर बिल्डर ने एक चीज़ सोचा जो कि बहुत अच्छा आइडिया था। उन्होंने सोचा कि अगर कोई ट्रूप को सेफ होना है तो एक शील्ड चाहिए, जैसा कि अगर आपके मेन विलेज पे कोई अटैक ना करे तो आपके भी मेन विलेज में कुछ टाइम के लिए शील्ड एक्टिवेट हो जाता है। तो शील्ड एक ऐसा चीज़ है जिससे आपके बेस पे या आपके ट्रूप पे कोई डिफेंस अटैक ना कर पाए, उनका अटैक ना कामयाब हो जाए। तो उसने सोचा कि यार हाँ, एक शील्ड बनाना ज़रूरी है। तो मास्टर बिल्डर ने सोचा कि यार शील्ड नहीं, बट मैं इनको एक मेटल का सूट बना के देता हूँ। तो मास्टर बिल्डर ने सूट डिज़ाइन किया और उन दोनों को पहनाया। एक सूट में जाइंट भी और विजार्ड ये दोनों थे, और वो दोनों कुछ ऐसे लग रहे थे। तो मास्टर बिल्डर ने उनको फिर से शॉक वेव देना स्टार्ट किया और लगातार 3 घंटे तक शॉक वेव दिया। शॉक वेव देते देते वो दोनों ट्रूप बेहोश हो गए और गिर पड़े। उसके बाद मास्टर बिल्डर ने सोचा कि ये तो हमारा मिशन तो नाकामयाब रहा, यानी इन दोनों पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन आफ्टर 12 आवर कुछ हुआ, और दोस्तों वो क्या हुआ, तो यार इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा पार्ट 2 के लिए। सो दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइज़।